eat that frog. इसके अंदर आगाज वो ऐसे करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मेंढक खाना है और मेंढक ऐसा खाना है कि आप उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, तो आप उसको कैसे खाएंगे? तो बाजार तौर पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं हम नहीं खा सकते, लेकिन खाना है आपको, रिलीजियस सेंटिमेंटल हटा दें, मैं आपको ऐसी बात करूँ कि आपको खाना है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं हम क्या करेंगे कि उस मेंढक में मिर्च मसाला लगाएंगे। मैंने कहा कि नहीं, आपके पास दो मेंढक है और उसमें से जो अगेस्ट बने जो सबसे बुरा वही आपको खाना है और 24 घंटे के अंदर अंदर ही खाना है, तो आप इस मेंढक को कैसे खाएंगे? खाना तो है। तो अच्छा, ये जो इस किताब में जो मेंढक है वो हमारा मुश्किल काम है। मेंढक को उसने मिसाल दी आपके मुश्किल काम जो कि आपको करना ही करना है लेकिन आपको करना नहीं है, आप क्या करें, कैसे करें वो उस काम को? तो वो तरीकेकार उसके अंदर 21 वे बताते हैं कि जो चार मटोर की आदत है वो किस तरीके से खत्म किया जा सके। तो वो इब्तिदा के अंदर वो मेंढक को ये कहते हैं कि अगर आपको मेंढक खाना ही है तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट जो सबसे अव्वल वक्त है, जो मॉर्निंग का स्टार्टिंग, जो आपकी जिंदगी सुबह का आगाज करते हैं, उसको शुरू में ही खा ले। अगर आप कहेंगे नहीं मैं शाम में खाऊंगा, दोपहर में खाऊंगा, रात में खाऊंगा, तो आप सुबह से लेकर शाम तक टेंशन में रहेंगे कि मुझे मेंढक खाना है, मुझे मेंढक खाना है, मुझे मेंढक खाना है। इसकी वजह से जो सुबह के काम है वो भी डिस्टर्ब होंगे, जो दोपहर के काम है वो भी डिस्टर्ब होंगे और मेंढक भी नहीं खा पाएंगे। तो जो मुश्किल चीज है ना उसको सबसे पहले कर लें। हम ज्यादातर टाल मटोल की आदत सिर्फ इस वजह से डालते हैं क्योंकि हमें वो तरीकेकार ही नहीं पता कि जिसकी वजह से हमें ये काम करना है। अगर मुझे पता होगा फटाफट से मुझे मेंढक खाना है तो मैं कहूँगा अच्छा मुझे मेंढक पकाना है, मुझे इसमें मसाला डालना है, मुझे ये काम इस तरीके से करना है। तो अगर मुझे तमाम वेज अगर पता है तो मेरे लिए वो काम बहुत ज्यादा आसान होगा। लेकिन अगर मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको प्लान ही नहीं किया उस काम को, तो मैं हमेशा टाल मटोलता ही रहूंगा और आखिर में पता नहीं वो काम शायद हो या ना हो। तो इस तरीके से तकरीबन 21 वेज इस किताब के अंदर बताए गए। तब आपसे इस किताब को उर्दू तर्जुमा मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि नहीं हुआ, लेकिन ये कि किताब बहुत आसान है, बहुत 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 मुश्किल अंग्रेजी जबान में लिखी गई है। ये किताब बहुत आसान है, अगर आप ये किताब पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। इसके अलावा ब्रेन ट्रेसी की एक और किताब है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। तो उस टाइम मैनेजमेंट के हवाले से वो एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने लाइन कही थी कि दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन इंसान हैं वो हो ही नहीं सकता कि वक्त के पाबंद ना हो। कोई शख्स दुनिया का कामयाब तरीन शख्स है और वो वक्त की पाबंदी नहीं करता, तो आप ये समझ लें कि वो हो ही नहीं सकता कि वो वक्त का पाबंद ना हो और कामयाब हो। मतलब ये दो चीजें एक साथ जो है वो कोरिलेट नहीं कर सकती है। वो वक्त का पाबंद होगा तो वो कामयाब होगा, वक्त का पाबंद नहीं होगा तो वो कभी भी जिंदगी में कभी भी कामयाब इंसान नहीं हो सकता।